वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। ऑब्जेक्टिव के वन लाइनर के पार्ट फाइव के साथ आज मैं उपस्थित हूँ। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यह जो पार्ट है यह इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन कहते किसको हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसको हैं। एक्स कौन सा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों से मिलकर कोई फंक्शन मिले और एक्स को केवल वाई को केवल एक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके तो वैसा फंक्शन इम्प्लिसिट कहलाता है, और अगर वह कोई फंक्शन इम्प्लिसिट नहीं है तो एक्सप्लिसिट कहलाता है। इम्प्लिसिट फंक्शन का वन लाइनर में हम लोग आज देखेंगे कि जो क्वेश्चन 6 से 7 लाइन वन पेज में बनता है वह वन लाइनर मेथड से एक लाइन में बन सकता है। इस प्रोसेस को सीखने के बाद आप बहुत जगह सब्जेक्टिव में भी इसको यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में तो यूज कर ही सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बोर्ड पे। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख दूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स हीरो वाई जीरो डिवाइडेड बाई एक्स जीरो वाई हीरो। अभी आप सोच रहे होगे हीरो जीरो क्या है। देखिए इसका मतलब है न्यूमरेटर में x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, ठीक, और डिनोमिनेटर में x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, और माइनस का साइन लगा हुआ है। ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। इफ x प्लस वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है कितना होगा। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप वन, कोई भी कांस्टेंट अगर राइट साइड में है उसको लेफ्ट में ले आए, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, हो सकता है आपको ऐसा दिया होता इफ x प्लस वाई इक्वल टू टेन डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं 10 को लेफ्ट साइड में ले आया हूँ, माइनस लगा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। न्यूमरेटर में कौन है वेरिएबल जी? x। कौन है वेरिएबल? x। y क्या है न्यूमरेटर में? कांस्टेंट। अब देखिए x का डेरिवेटिव 1, सिर्फ y है, y का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट तो हम कहीं भी 0 होगा डेरिवेटिव। फिर आइए डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? x कांस्टेंट। अब यहाँ पे y वेरिएबल है, x का डीसी 0, y वेरिएबल है, y का डेरिवेटिव 1, 10 कांस्टेंट 0, कितना आंसर हो गया? -1। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पे, उसी तरह का स्ट्रक्चर है, माइनस लिख दिए, सुनना है। एक्स स्क्वायर ऊपर कौन वेरिएबल? एक्स वेरिएबल। एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, वाई स्क्वायर का डी सी 0 क्योंकि वाई कांस्टेंट है, यह तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई नीचे कौन है वेरिएबल? वाई। कौन है कांस्टेंट? एक्स। एक्स स्क्वायर का डी सी 0 प्लस वाई स्क्वायर का डी सी 2y, कांस्टेंट का डी सी कितना आंसर आ गया? -x/y, ठीक। इधर यहाँ मैं लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, ये 0 आप समझ गए होंगे, -x/y। अब आइए थर्ड क्वेश्चन, रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस रूट ए इक्वल टू 0 dy/dx, माइनस लगा दिए। न्यूमरेटर में रूट एक्स वेरिएबल है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट वाई 0, रूट ए 0 डिवाइडेड बाई 1/√x का डी सी 0, नीचे x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, रूट वाई का डी सी 1/√y, कांस्टेंट का डी सी 0, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखें एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, देखिए कांस्टेंट राइट साइड में है, मैं यहाँ क्या करूँगा, लिख सकते हैं ना, चलिए अब dy/dx माइनस। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों एक साथ आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। अब न्यूमरेटर में देखो क्या लिखा है, x वेरिएबल y कांस्टेंट,
न्यूमरेटर में x वेरिएबल है, x वेरिएबल है तो y भी उसके साथ है, y यहाँ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन x का डीसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कांस्टेंट का डीसी तो कहीं भी 0 होता है। अब नीचे आइए डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कौन वेरिएबल है, y वेरिएबल है। अगर y वेरिएबल है डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट कौन हो जाएगा, x हो जाएगा, तो और y का डीसी 1, कांस्टेंट का डीसी 0, कितना आंसर आ गया, माइनस वाई बाई एक्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इम्प्लिसिट के बहुत से क्वेश्चन जो 4 से 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन तक जाता था वह एक लाइन के पे टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। अब आइए यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, x5 प्लस y5 माइनस 5xy 0 डीवाई बाई डी एक्स, माइनस लिख दिए जी, न्यूमेरेटर में कौन है वेरिएबल, x है वेरिएबल, ध्यान से देखना है, x5 का डीसी कितना होगा, 5x4 होगा, बहुत अच्छा, y5 का डीसी 0, क्यों, न्यूमेरेटर में y कांस्टेंट है और y सिर्फ y है x के साथ नहीं। अब यहाँ देखिए दोनों है, ध्यान से समझना है, सबसे पहले तो माइनस 5 कांस्टेंट, अब यहाँ कांस्टेंट को 0 नहीं करेंगे क्योंकि यह वेरिएबल x और y के साथ है, माइनस 5, ऊपर कौन है वेरिएबल, x, तो कांस्टेंट कौन हो गया, y, तो x का डीसी कितना हो गया, 1। अब आइए डिनोमिनेटर में सिर्फ x 5 है, आंख बंद करके, अच्छा माइनस भी लगाना है जी, माइनस लगा दी, y 5 है, इसका dc 5y4, नीचे y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, अगर नीचे y वेरिएबल है तो सबसे पहले 5 कांस्टेंट और साथ में x कांस्टेंट हो गया, y का dc 1 हो गया, देखिए आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखें, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan a, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टेन ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, वाई स्क्वायर का डी सी 0, टेन ए का डी सी 0, एक्स स्क्वायर का डी सी 0, वाई स्क्वायर का डी सी 2y, कांस्टेंट का डी सी 0, यहाँ तक मैं चाहता हूँ पहले लिख लें। If ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से चलोगे तो 1 and 1.5 पेज तक यह जाता है, लेकिन इम्प्लिसिट के सिकंदर मेथड से देखें इसे किस तरह से हम लोग वन लाइन में तोड़ देंगे, ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में कौन है वेरिएबल, x वेरिएबल है, कांस्टेंट कौन है, y कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ ax square का dc 2x प्लस x भी है, y भी है, कांस्टेंट भी है, पहले कांस्टेंट लिख दीजिए 2h, ऊपर कौन है वेरिएबल, x, तो कांस्टेंट कौन हो गया, y, x का dc कितना हुआ, 1, सिर्फ y स्क्वायर है, आंख बंद करके 0, 2gx है, 2gx का dc 1 प्लस 2fy है, 2f तो कांस्टेंट होगा लेकिन y सिर्फ y है वेरिएबल और न्यूमरेटर में y कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का dc 0 और c का भी dc 0। अब आ जाइए नीचे, अच्छा माइनस का साइन देना है, भूलना नहीं है जी, डिनोमिनेटर में उल्टा हो गया, मतलब x कांस्टेंट हो गया, अब देखिए सिर्फ x है 0, अब यहाँ दोनों है तो नीचे y वेरिएबल है जी, 2hx, y का dc 1, b y स्क्वायर का डी सी 2y, 2gx सिर्फ x है 0 और 2fy का डी सी 1, कांस्टेंट का डी सी 0, देखिए इसका ये आंसर होगी। ये था इम्प्लिसिट का कुछ अच्छा क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको याद रखना होता है, इसका कोई भी ट्रिक नहीं होता, लेकिन कैसे याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स वन प्लस वाई का रूट, वाई वन प्लस एक्स का रूट, जो बनाने जानते हैं सब्जेक्टिव मेथड लॉन्ग मेथड में जा सकते हैं, ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहता है खासकर बोर्ड एग्जाम में, तो इसको कुछ क्वेश्चंस को आपको रिमेम्बर यानी याद भी रखना होगा, इसका आंसर या तो ऐसा होता है, ध्यान से देखेंगे ठीक। इसी को क्या करता है कभी कभी, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वन को इधर ले, मतलब इस रिजल्ट से यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, जब डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा तो ये आंसर,
ये रिजल्ट दोनों याद रखना है। अब यहाँ देखिए ये भी वही है, साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई है, डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा। देखिए यहाँ साइन वाई है एक्स साइन ए प्लस वाई के साथ है, डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है। यहाँ क्या है जी, साइन ए प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, नीचे साइन ए कर दीजिए, ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर। यहाँ कॉस वाई, यहाँ एक्स, यहाँ कॉस ए प्लस वाई, इसको स्क्वायर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इसका खासियत है कि नीचे साइन ए ही होता है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ, यह भी बहुत लंबा है, लॉग से भी बना सकते हो, इम्प्लिसिट से भी बना सकते हो। अब आप देखो, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, 13 प्लस 7 कितना होता है, 13 प्लस 7 20 और यहाँ 20, यह होमोजीनियस है, एक्स वाई से रिलेटेड है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए आँख बंद करके किस में टिक मार दें, वाई बटे एक्स में। ये एक 12 नंबर पावर एम एन है, दोनों को ऐड किए एम प्लस एन, इधर भी देखे एम प्लस एन, एक्स वाई से रिलेटेड है, इसका भी आंसर वाई बटे एक्स। जल्दी से उतार लें, तो आज आप लोग देखें इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन, सिकंदर मेथड, वन लाइनर मेथड। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग लॉगरिथमिक से रिलेटेड डिफरेंशिएशन, उसके बाद उसी में हम लोग इन्फिनाइट सीरीज भी करेंगे साथ में ही, और साथ में फॉग ऑफ से रिलेटेड कुछ बच्चे, शुभम कुमार और कुछ बच्चे ने मुझसे पूछा था, सोनाली कुमारी, फॉग ऑफ से रिलेटेड डैश से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उनका आया था कमेंट कि फॉग ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन को बताया जाए। तो शुभम कुमार और सोनाली कुमारी जी, मैं जो नेक्स्ट इसके बाद जो पार्ट आएगा वहाँ उस क्वेश्चन को मैं रखूँगा। मैथमेटिकल सेतु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आने वाले दिनों में हम लोग ऑब्जेक्टिव के सिक्वेंस को आगे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू।